हेलो गाइस एंड वेलकम बैक गाइस, आज के इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको एक बड़ी सी अपडेट देने वाला हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया में हीरो मोटोकॉर्प और हार्ले डेविडसन एक पार्टनरशिप के अंदर काम कर रही है। तो इस पार्टनरशिप के रूल नंबर वन की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प हार्ले डेविडसन की सेल्स, एक्सेसरीज और सर्विस, इन सारे चीजों पे नजर रखेगी और इन्हें मेंटेन करेगी। और इस एग्रीमेंट की दूसरे रूल की बात करें तो इसके बदले हार्ले डेविडसन हीरो को अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करेगी और ज्वाइंट वेंचर में हीरो के साथ प्रीमियम बाइक्स मैन्युफैक्चर करेगी। और इसी सेकेंड रूल के ऊपर बेस कर हार्ले डेविडसन की SRV 300, एक अपकमिंग एंट्री लेवल क्रूजर बाइक, अगले साल तक इंडिया में लॉन्च होने वाली है। और SRV 300 के ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, अगर आपको ये वीडियो देखना है तो ऊपर आने वाले आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कर देख सकते हैं। लेकिन अगर आज के टॉपिक की बात करें तो वही सेकेंड रूल को फॉलो करके हीरो ने हार्ले डेविडसन के साथ मिलकर अपनी एक नई प्रीमियम 500cc क्रूजर बाइक लॉन्च करने वाली है। और हीरो की तरफ से ये पहली क्रूजर बाइक होने वाली है। और आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जितने भी लीक स्पेसिफिकेशंस और रूमर्स है उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमित और आप देख रहे हैं PN मोटो वर्ल्ड। तो अब स्टार्ट करते हैं डिजाइन और फीचर्स से। लीक्ड इमेजेस या फिर डिजिटल रेंडरिंग इमेजेस की बात करें तो ये बाइक आपको हार्ले डेविडसन के ही स्ट्रीट रॉड और स्ट्रीट 750 की याद दिलाएगी। इसके कुछ डिजाइन एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें भी आपको राउंड हेड लैंप्स विद LED DRL, सिंगल पॉड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लो एंड वाइड हैंडल बार्स, टियर ड्रॉप फ्यूल टैंक, लो सीट हाइट, मल्टी स्पोक अलॉय व्हील, सिंगल एग्जॉस्ट, ड्यूल रियर शॉक एब्जॉर्बर्स और स्ट्रीट 750 की तरह रियर एंड और पेट्रोल टैंक में हीरो की बैजिंग देखने को मिलेगी। और एज पर द इमेज यहाँ पे आपको इंडिकेटर भी फुल LED देखने को मिलेगा। इसके साथ आपको ड्यूअल डिस्क भी प्रोवाइड की जाएगी। अब उस पर ड्यूअल चैनल ABS मिलेगा या फिर नहीं, ये अभी तक कंफर्म नहीं है। इसके अलावा कुछ पैनल्स आपको ब्लैक्ड आउट या फिर क्रोम में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इसके डिजाइन हार्ले डेविडसन के साथ सिमिलर होने के बावजूद भी इसमें आपको हीरो की डिजाइन लैंग्वेज भी थोड़ी सी देखने को मिलेगी। अब चलते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की तरफ। तो इंजन की बात करें तो इसमें आपको 500cc V12 इंजन देखने को मिलेगा। और ये इंजन हीरो में आने वाली सबसे प्रीमियम और सबसे बड़ी कैपेसिटी वाली इंजन होने वाली है। अब तक की हीरो की सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी इंजन की बात करें तो वो है 223cc जो कि करिश्मा R में आती थी, और फिलहाल के लिए वो बाइक ही डिसकंटिन्यू हो चुकी है। सो दिस टाइम हीरो की सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी मोटरसाइकिल है एक्सट्रीम 200। और अगर हीरो की ये 500cc क्रूजर जल्दी आ गई तो हीरो की पोर्टफोलियो को एक काफी बड़ा अपडेट मिलने वाला है। इसकी एक्सपेक्टेड पावर आउटपुट की बात करें तो ये आपको 33 से लेकर 35 bhp की पावर और 40 Nm की टॉर्क दे सकती है। और इसमें आपको 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। अब इसकी एक्सपेक्टेड वेट की बात करें तो ये आपको 180 से लेकर 200 kg तक की मिल सकती है। तो अगर पावर टू वेट रेशियो की बात करें तो ये आपको 130 से लेकर 140 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड दे सकती है। और माइलेज आपको इसमें 20 से लेकर 25 किलोमीटर तक की मिल सकती है। अब चलते हैं लॉन्च डेट की तरफ। अब हीरो के इस प्रीमियम 500cc क्रूजर बाइक की लॉन्च डेट की बात करें तो ये आपको 2022 के एंड तक लॉन्च हो जाएगी। अब चलते हैं एक्सपेक्टेड प्राइसिंग की तरफ। तो 500cc होने के बावजूद भी बीइंग ए हीरो ये बाइक आपको 2,50,000 से लेकर 2,80,000 के बीच में मिलने वाली है। तो अब चलते हैं कंक्लूजन की तरफ कि आपको इस बाइक के लिए रोकनी चाहिए या फिर नहीं। तो गाइस, अगर आपको एक प्रीमियम गुड लुकिंग माचो लुकिंग क्रूजर बाइक चाहिए और आपका बजट हार्ले डेविडसन जितना या फिर रॉयल एनफील्ड की अपकमिंग 650 क्रूजर बाइक की जितना नहीं है, या फिर आपको 500cc की बाइक चाहिए, 650 आपकी जरूरत नहीं है और उसके साथ आप एक हीरो के फैन है और आपको हैसल फ्री इजी सर्विस और इजी अवेलेबिलिटी ऑफ पार्ट्स पसंद है, क्योंकि आपको पता ही है कि हीरो की सर्विस कॉस्ट कितनी अफोर्डेबल है और उनके पार्ट्स कितना इजीली अवेलेबल है, तो अगर आपकी क्राइटेरिया ये सब है तो फिर आप डेफिनेटली इस बाइक के लिए रुक सकते हैं। ये बाइक आपको खुश रखने वाली है। तो गाइस, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने थॉट्स कमेंट कीजिए, क्या क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है या फिर आप किसके बारे में वीडियो देखना चाहते हैं ये कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको मेरे सारे वीडियो पसंद आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। वीडियो को इतने तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।